वेलकम वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप सब ठीक होंगे। तो आज हम खाने आए हैं गोलगप्पे और उसके साथ रंगोला। आप पता है गोला क्या होता है? इफ़ यू डोंट नो तो क्रश्ड आइस होती है, उसके ऊपर थोड़े से ना फ्लेवर्स होते हैं एंड पाकिस्तान में बहुत फेमस है। यहाँ पे इतने मिलती नहीं लेकिन यहाँ पे एक शॉप है वहाँ पे मिलते हैं। पहले तो अभी हम गोला खाने लगे हैं। नहीं गाइस, अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा कि पहले गोला खाना है या फिर गोलगप्पे खाना है। बे अस्सलाम वालेकुम गोलगप्पे। फातिमा आपने क्या खाना है पहले? कुछ भी नहीं, पोपो लॉलीपॉप खा रही है। लेकिन अब हमने सोच लिया है हम गोलगप्पे खाएंगे। और ये देखें शॉप, हम अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि रश बहुत है। यस, लेकिन यहाँ पे भाई सारे लोग बड़े इंजॉय कर रहे हैं तो हमने कहा चले हम भी ट्राई करते हैं। और यहाँ पे मीठे मीठी चीज़ें भी हैं, लड्डू भी इनके बहुत फेमस है, बड़े लोग खा रहे हैं। मैं आपको पहले शेयर नहीं कर पाई कि हम घर से निकले क्योंकि हम ना बड़ी एक्चुअली जल्दी जल्दी में आए हैं। तो सर चले यहाँ से ही शेयर कर लेते हैं। पीछे देखें, बस देखें सामने ट्रैम्पोलिन है बच्चों के लिए और ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शॉप्स। आपको अभी नजर नहीं आ रही होंगी, इंशाल्लाह हम ना कभी अगर विजिट किया तो हम आपको ये जरूर दिखाएंगे। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं गोल गप्पे। यस यमी यमी, हम सबको पसंद है यमी यमी। बिलाल मामू लेके आ रहे हैं ये देखें गोल गप्पे। ये देखें जी और शक्ल देखें कितने प्यारे, शक्ल देखें गाइस। गाइस हम जगह एक्सचेंज कर रहे हैं, अंदर चलो मैं गाइस। मीठी चटनी के साथ ही गोलगप्पे मजे के लगते हैं, वरना मुझे तो गोलगप्पे नहीं पसंद। मीठी चटनी के साथ डबल मजा इनका हो जाता है। खट्टे मीठे, खट्टे मीठे गोलगप्पे हो गए ना। और ये मीठा नहीं, ठंडा ठंडा खट्टा टंटा ना। चलें जी फ्रेंड्स, अब खाते हैं जी गोलगप्पे। और मीठी चटनी ये लोग अंदर नहीं डाल के देते, इसलिए हम अलग से डाल रहे हैं यहाँ पे। और क्योंकि मीठी चटनी के बगैर गोलगप्पे क्योंकि मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं कोई गोलगप्पा लवर बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मीठी चटनी वाले मेरे से फिर भी खाए जाते हैं, तो इसलिए वो हमने ऊपर जो मीठी सॉस है वो डाल के खाया है। तो चलें जी बस खाते हैं जी गोलगप्पे। और बस खाना पीना ही नहीं है, अभी हमने एक मार्केट में भी जाना है। उमर भी जा रहे थे बेसिकली, तो उनको मैंने कहा कि वेट करें, मतलब मैंने भी साथ जाना है, जो चीज़ें लेनी थी घर की, और उस मार्केट में फर्स्ट टाइम जाना है। तो बस गोलगप्पे खाते हैं और नूरी मार्केट है कोई तो चलते हैं। इस गोलगप्पे खानी है, अब हमने खाने जा रहे हैं गोला, लेकिन अब मगरिब हो चुकी है तो हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। और गोलगप्पे बहुत 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 ही मजे के थे कि मजा आ गया भाई। पाकिस्तान जैसे वाकई नहीं थे, लेकिन यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मजे के थे, क्योंकि दो तीन जगह के हमने ट्राई किए ना तो बड़े ही बुरे निकले, तोबा तोबा, लेकिन ये बहुत मजे के थे। बहुत हमने एक गोलगप्पे का रिव्यू भी दिया था, वो तो बहुत ही बुरे थे। चलें जी फ्रेंड्स, गोला खा चुके हैं और आ चुके हैं जी हम गोले के लिए। गोले की एक शॉप है, काफ़ी फेमस है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कितने सालों के बाद मैं तो खाने आई हूँ, मुझे तो याद भी नहीं थी कि शॉप यहाँ पे है। तो बस आज गोले का जिक्र हो गया तो इसलिए शॉप एकदम याद आ गई। देखें रिक्शा कितना प्यारा है, और मैं तो बड़ी देर बाद यहाँ गोला खाने आई हूँ जी, बार बार टाइम भी नहीं ना मिलता। नहीं जी फ्रेंड्स, वह हसीना आ चुकी है। गाइस ये देखें, आइसक्रीम तो यहाँ पे बहुत मिलती है, लेकिन यहाँ पे कुल्फियाँ भी मिलती हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलती हैं जी, यहाँ पे भी मिलती हैं, और कुल्फी वाली आइसक्रीम भी मिलती है यहाँ पे। और देखिए इतनी प्यारी फोटो है, इतना प्यार ने बनाया हुआ है, छोटा इसी शॉप है और इतनी प्यारी है। ये देखें गाइस, ये है कोको बो, चलें जी फ्रेंड्स, सबसे पहले जी ये मेन्यू में गोलों की भी काफ़ी वैरायटी थी, और साथ ये सोडा वगैरह भी हैं, ठीक है। लेकिन हमने तो लेना था सिंपल, मतलब मैंने तो सिंपल लेना था, मैंने भी, रीमल ने भी, बिलाल भी ने भी लेना सिंपल, क्योंकि सिंपल का अपने ही मज़े, ऊपर वो आइसक्रीम डल जाए और कंडेंस मिल्क डल जाए, हालाँकि वो भी लेना है क्योंकि वो जैन ने कहा था कि लेके आना है, तो इसलिए वो भी लेंगे। फिलहाल तो ये बन रहे हैं जी सिंपल, क्योंकि मुझे तो पसंद है सिंपल, ऊपर ये कंडेंस्ड मिल्क और आइसक्रीम और ऐसी चीज़ें तो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पसंद। गोले का अपना तो कोई टेस्ट ना रहा, आइसक्रीम का तो अपना टेस्ट है, तो इसलिए जी ये बन रहे हैं सिंपल गोले फिलहाल।
और कलरफुल फुल देखें, अपनी मर्जी से कलर डलवा लें, जौन सा डलवाना है, वन कलर लेना है अकेला, एक फ्लेवर मतलब लेना है तो वो भी ले लें, और हर कलर डलवाना है वो भी ले लें, अपनी मर्जी है। तो हमने उनको सिंपल बोला तो वो अपनी मर्जी से बना रहे हैं, उनको हमने कोई एक स्पेसिफिक कलर नहीं बोला कि हमें सिर्फ यही चाहिए। तो चलें जी, ये बन रहा है सिंपल गोला। लें जी फ्रेंड्स, हमारे जो सिंपल गोले हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए, मैंने रीमल और बिलाल भी ने लिया था ना सिंपल, मतलब बगैर किसी और चीज़ के, तो वो तो रेडी हो चुके हैं और अभी बनवाते हैं जो दूसरे गोले। देखिए शादी जी होगी सफाई और ज़बरदस्त, यहाँ चेक एंड बैलेंस बहुत है जिसकी वजह से उनको साफ रखना ही पड़ता है। और चलें जी, बस ब्रश हो रही है जी बर्फ, ठीक है, उसके बाद अभी बनाएंगे वो जो गोला है जी, रॉयल गोला था शायद, आई थिंक इसका नाम है ना, तो रॉयल गोला है। तो बस बनाते हैं जी रॉयल गोला, और उसके बाद वो भी आपको उसकी लुक भी दिखाती हूँ। ले जी फ्रेंड्स, ये देखें रॉयल गोला बन रहा है, ठीक है, और इसमें भी उनको हमने कलर कोई एक नहीं बताया, आप अपनी मर्जी से बना रहे हैं कलर डाल के, मतलब हर कलर उन्होंने डाला है। और इसमें डिफरेंस ये है जी फ्रेंड्स, कंडेंस्ड मिल्क और ऊपर आएगी जी आइसक्रीम, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। गोले का एक अपना टेस्ट, एक फ्लेवर होता है जो कि सिंपल ही अच्छा लगता है। खैर, अपने अपना मर्जी, अपने अपनी टेस्ट है सबका, ठीक है, उस हिसाब से उन्होंने खाना है, लेकिन मुझे वाकई नहीं पसंद ये। कंडेंस्ड मिल्क और आइसक्रीम का अपना ही एक इतना, मतलब वो फ्लेवर इतना इनहेंस हो जाता है उसकी वजह से, तो मज़ा तो ऑब्वियसली नहीं आता ना, तो फिर गोले का अपना फ्लेवर तो ना रहा। लेकिन अब जिनको पसंद है वो तो खाते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और अब पाकिस्तान में तो डबल डबल वैरायटी आ गई है गोले की, चॉकलेट गोला और पता नहीं कौन 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 सा गोला, मतलब मैं परेशान हूँ कि गोलों में भी इतनी वैरायटी, क्या बात है जी। तो बस ये देखें रॉयल गोला तैयार हो रहा है, पाकिस्तान वाले भी खाएं प्लीज़ ज़रूर, चॉकलेट गोला, आइसक्रीम गोला और पता नहीं सेवैयां भी डाल के गोला, पता नहीं कैसा कैसा गोला, पाकिस्तान वाले भी ज़रूर खाएं और बताएं। लें जी, रॉयल गोला हो चुका है जी रेडी। देखें, मैं आपको ये बता रही थी ना, कंडेंस्ड मिल्क डल गया है ऊपर, और ये देखें आइसक्रीम के ऊपर फिर से कंडेंस्ड मिल्क। यहाँ पे सिर्फ एक यही डिफरेंट गोला है, लेकिन पाकिस्तान में वैरायटी गोलों में इससे भी ज़्यादा है। पाकिस्तान में बहुत वैरायटी है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स खाते रहते हैं और वो साथ शेयर करते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो मैं तो खुद देख के हैरान और परेशान हो जाती हूँ कि वाह जी वाह, गोलों में भी इतनी वैरायटी आ गई है कि क्या ही बात है। तो लें जी, ये रॉयल गोला भी तैयार हो चुका है, पाकिस्तान वाले ज़रूर गोला खाएं, गोलों का मौसम है, और ज़रूर बताएं कौन सा फ्लेवर उनको पसंद है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उधर भी इधर से ट्रिपल वैरायटी आ चुकी है। चलें जी फ्रेंड्स, गोले हमारे हो चुके हैं, ठीक है, घर में पकड़ाते हैं और उसके बाद चलते हैं मार्केट में, जो नूरी मार्केट में आपको बता रही हूँ। तो चलें जी, चलते हैं वहाँ। चलें जी फ्रेंड्स, जी हम लोग बच्चे घर में ड्रॉप करके और सिर्फ दानियल को लेके जा रहे हैं जी नूरी मार्केट, क्योंकि बच्चे इकट्ठे एक जगह बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं, जिसकी वजह से इनको एक साथ कहीं पर लेके ही नहीं जाते, तो हद से ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत ही तंग करते हैं। तौबा तौबा, तो ये नूरी मार्केट में जी मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, मैं इधर पहले कभी नहीं गई, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग का वैसे ही ज़्यादा बहुत हो गया है, बाहर नहीं निकला जाता। ये तो उमर भी और अनम जा रहे थे किसी काम से अपने, तो मैंने बोला कि चले मैं भी साथ चलती हूँ। तो इब्राहिम को इसी नहीं लेके आई, क्योंकि इकट्ठे ये बहुत तंग करते हैं, तो वो इब्राहिम को जैन के पास छोड़ा है और ये आ चुके हैं जी नूरी मार्केट में। तो चलें जी, वैसे तो दानियल भी हद से ज़्यादा तंग करता है, लेकिन बस चलें, चलते हैं, देखते हैं अंदर जाके। ये आ चुकी है जी नूरी मार्केट, तो चलें जी देखें, दानियल को लेके आए हैं सिर्फ ताकि इकट्ठे होके ये तंग जरा कम करें हमें। तो चलें जी, मैं खुद फर्स्ट टाइम आई हूँ तो सोचा थोड़ी सी वैरायटी खुद देखती हूँ, जो जो आपको भी दिखाती हूँ। तो चलें जी, एंटर हम लोग हो चुके हैं। उमर भी ने बताया था कि यहाँ पे ना एक दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी प्रमोशन में, लेकिन देखें मुझे देखने में काफ़ी कुछ मिला है यहाँ पे ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रमोशंस थी उस हिसाब से, मतलब पता नहीं था, बट यस काफ़ी अच्छी प्रमोशंस थी, जैसे चॉकलेट्स पे हो गई और काफ़ी अच्छी थी। देखे ना, सब किट कैट हो गई, कैडबरी जो डेरी मिल्क है वो हो गई, उसके बाद ये रिफेलो, ये सब मतलब अच्छी लगी हुई थी, देखें लगी हुई है ना यहाँ पे।
10 में 4, 11 में 4, इस तरह 10 में 6। ये देखें ऊपर इतनी प्यारी इन्होंने की हुई है ना, देखें ये सारी सेटिंग स्टीविया और सब कुछ। ये जी देखें इलायची का पूरा बार एक एक साइड पे। ये देखें मैं अपनी फेवरेट जगह पे आ गई, जहाँ पे मुझे ज़रा पसंद है बर्तनों वाली जगह, सारी क्रॉकरी वगैरह जहाँ पे पड़ी होती है। तो मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखाती हूँ, अगर मुझे जो जो कुछ नज़र आता है अच्छा प्यारा साथ आपके वो भी मैं शेयर करती हूँ। ये देखें जैसे बेकवेयर हैं ये ज़्यादा ना, सर्वेयर देखें ये पूरे पूरे शीशे के, ये लाइट वेट हैं, काफ़ी लाइट वेट हैं पकड़ने में। ये देखें साथ बर्तनों में भी वैरायटी, मतलब डिफरेंट है, चेंज होती रहती है। और देखें हर मार्केट में हर जगह डिफरेंट हैं। और मज़े की बात यह है कि इस दफ़ा मैं पाकिस्तान जब गई तो मैं वहाँ से लेके आई बर्तन, कुछ प्लास्टिक के मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे, बहुत प्यारे, तो मैं वहाँ से भी लेके आई थी। तो देखें क्योंकि वैरायटी तो हर जगह ऑब्वियसली पाकिस्तान में एक से एक चीज़ है, एक से एक चीज़ है। तो लेकिन ये कि वैरायटी यहाँ पे भी प्यारी थी, ज़रा डिफरेंट थी। देखें एक ही डिज़ाइन है बट उसमें डिफरेंट, मतलब बॉल्स हैं तो अगर उनके साइज़ डिफरेंट हैं, प्लेट्स हैं तो वो राउंड भी हैं, स्क्वायर भी हैं, तो हर तरह मतलब डिफरेंट डिज़ाइन एक ही है लेकिन उसमें वैरायटी काफ़ी है साइजेस में। ये देखें अब ये डिज़ाइन चेंज है, देखें ये ना ये डिज़ाइन चेंज है, बट वही साइज को स्क्वायर कोई राउंड ऐसे हैं, बॉल भी मतलब बड़े भी छोटे भी और स्वीट के लिए भी सब। ये देखें ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, कैंडी स्टैंड था बेसिकली ये। देखें जी शुगर पॉट कितना प्यारा है वैसे, ये ज़बरदस्त। ये देखें पूरी वैरायटी, ये देखें ये शीशा लग रहा है लेकिन ये शीशा नहीं है, ये ग्लास नहीं था, ये प्लास्टिक था और इतना लाइट वेट कि ज़बरदस्त। ये बिल्कुल भी ग्लास नहीं है, ये सब प्लास्टिक ही है। देखें प्लास्टिक के जग और हर चीज़, ये देखें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जा रहा है, ये बहुत खूबसूरत है। देखें ये देखें ना बहुत प्यारा, ये देखें मज़े की चीज़ है ना, जार विद स्पून चम्मच साथ ही हो ना तो वो बहुत अच्छी मज़े की चीज़ है ये। ये देखें लेकिन फिर वही बात है कि वैरायटी हर जगह ही बहुत है, पाकिस्तान में भी बहुत वैरायटी है, बहुत ही वैरायटी है, तरह तरह की वैरायटी है, मतलब हर चीज़ वहाँ से भी मिलती है। ये देखें एस्ट्रे, और ये कितनी खूबसूरत एस्ट्रे है, बहुत प्यारी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ क्योंकि मैं खुद भी यहीं पे आई थी इसी पोर्शन में। ये देखें कैवा सेट है ना, कितना प्यारा ये लग रहा है, देखें मुझे खुद बर्तन देखने का ज़रा शौक है। मैं उसी पोर्शन में जिस भी मार्केट में अगर जाऊँ तो मैं बर्तनों वाली साइड पे ही ज़्यादा जाती हूँ। ये देखें बखूर जलाने के लिए कितना प्यारा लग रहा है ये भी, तो बर्तन देखने का मज़ा आता है, ठीक है। और उमर भी को जो चीज़ें चाहिए थी वो अपनी वो ले रहे थे, मैंने कहा मैं आराम से खुद भी वैरायटी देखती हूँ आपको भी दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने तो लेना कुछ भी नहीं था, एक दो चीज़ें थी छोटी छोटी वो लेनी थी, तो उसके साथ साथ मैंने कहा चलें वो भी लेते हैं वो, और साथ आपको थोड़ी सी वैरायटी भी दिखाते हैं। ये देखें सारी यहाँ पे कटलरी थी और सब मतलब नाइफ सेट्स थे यहाँ पे। उसके बाद ये देखें कप्स, गोल्डन सिल्वर बहुत ट्रेंड है, वैसे बहुत ट्रेंड है यहाँ पे इन चीज़ों का, तो वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं और अट्रैक्ट उनसे बंदा ज़्यादा होता है, वो बहुत प्यारी लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं देखने में। तो ये देखें जैसे कप में भी गोल्डन, और लेकिन इनका नुकसान ये है मतलब जिसकी वजह से ये ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हम कि ये अवन में नहीं रख सकते गोल्डन की वजह से ना, तो इसलिए बंदा फिर क्या ले जब कप एक अवन में नहीं रख सकते, तो इसलिए बस देखने में बहुत प्यारी लगती हैं। हाँ बिल्कुल लें, लेकिन ये कि अवन में फिर बिल्कुल भी मत रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें, सिल्वर गोल्डन कोई चीज़ हो गई ना।
ये देखें स्पाइस जार्स देखें, ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये बड़ी मज़े की थी ना। देखें स्ट्रेनर है बेसिकली, ये मैं आपको दिखाऊँ, देखें इधर से यूं देखें स्ट्रेन कर लें जो भी डालें, तो ये बड़ी मज़े की मुझे लग रही थी, देखें बड़ी प्यारी है ये। ये देखें जैसे ये भी ग्लास में मुझे लगा है, लेकिन ये ग्लास ये भी नहीं है, ये भी प्लास्टिक है और ये डिफरेंट कलर्स में है, जैसे ये ग्रीन है साथ में पिंक है। ये देखें ये ग्लास नहीं है, ये प्लास्टिक ही है, बहुत लाइट वेट प्लास्टिक। ये देखें उसी में पिंक कलर, गोल्डन था, ग्रीन है और जी है जी पिंक। तो चलें जी चलते हैं थोड़ा सा और आगे और देखते हैं। ये देखें होल्डर्स वॉशरूम के लिए ना, देखें शैम्पूज और मतलब हर तरह की चीज़ आप इसमें रख रहे हैं, किचन के, किचन में भी ये यूज़ हो और वॉशरूम में भी ऑब्वियसली ये यूज़ होता है, ठीक है। ये देखें ड्राई फ्रूट के लिए ये सारा, और ये देखें फ्रूट डाल के वॉश कर लें, फ्रूट रख लें। लें जी साथ ही आ चुके हैं जी सॉस पैन्स, और देखें वॉक्स हैं, सॉस पैन्स हैं, ये बेकरी रिलेटेड है, मतलब बेकिंग से रिलेटेड ना सब। स्ट्रेनर्स हैं, देखें बीच में सॉक्स भी हैं एक साइड पे, लेकिन ठीक है। ये फ्रूट्स शुरू हो गए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। चेरी देखें कितनी प्यारी आई हुई है, लेकिन अभी बहुत ही खट्टी है, खाई नहीं जाती। ये सारा देखें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और ये देखें स्वीट्स उसके साथ, ये सारा ड्राई फ्रूट, निमकोज, ये हर जगह पे इसका पोर्शन देखें है, होता है। मतलब मैंने पांडा का भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, नहीं देखी वीडियो तो ज़रूर देखें। दानू का भी किया था वीडियो, नहीं देखी तो ज़रूर देखें। तो लेकिन ये निम्को की यहाँ वेराइटी मुझे ज़्यादा लगी। और ये देखें जी साथ डेट्स, ये देखें सारी फ्रेश स्वीट्स जो इनकी हैं अपनी, अरब स्वीट्स, टर्किश डिलाइट्स, जो सब ये वो हैं। और ये साथ ही देखें फ्रेश बेकरी, मतलब ब्रेड और बंस फ्रेश, मतलब जो आपको यहाँ पे बना के दे रहे हैं। ये पिज्ज़ास भी हैं, पाइज भी हैं, हर चीज़ है, मतलब सामने फ्रेश बेक करें और ले लें अपनी पसंद का जो चीज़ आपने डलवानी है। ये देखें जी मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाती हूँ। तो ये इनका जी, इनका अवन है ये देखें, ये सारा फ्रेश वहीं की ना, मतलब फ्रेश स्वीट्स पड़ी हुई हैं सब, ये बेकरी आइटम्स हैं, मतलब सब ना, कुकीज हो गए, केक्स हो गए। और ये देखें यहाँ पे फ्रेश केक्स सारे, लोटस, ये देखें मैं आपको दिखाती भी हूँ जूम करके ना, ये देखें लोटस केक, लोटस इट्सेल्फ बहुत मज़े की एक चीज़ है। और ये सारा, ये ओरियो है, यस, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये कभी भी मुझे पसंद नहीं आया ओरियो बिस्किट, बच्चों को खैर बहुत पसंद होता है। ये देखें सब फ्रेश केक्स हैं, छोटे छोटे पीसेस में भी, मतलब वन स्लाइस भी है और फुल केक जो बड़ा केक है वो भी है। ये देखें किट कैट और स्नीकर्स और हर फ्लेवर पड़ा हुआ है, फ्रेश केक भी हमने कभी यहाँ का ट्राई नहीं किया। तो ये सारी इनकी जी जो मैं आपको दिखा रही थी अभी, फ्रेश रोटी वगैरह के लिए, ठीक है, ब्रेड्स के लिए, बंस के लिए, सब ये सब फ्रेश। और ये देखें सामने भी ये सारा इनका मीट पोर्शन है, हर तरह का मीट, फिश, ये देखें मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ, फ्रेश मीट, मतलब जो पोर्शन आपको चाहिए जितना चाहिए यहाँ से लें। और ये नीचे सब बारबेक्यू का था पड़ा हुआ ना। ये देखें फ्रेंड्स मैं आपको दिखा बता रही हूँ ना कि ये फ्रेश इनकी जो स्वीट्स हैं ये वो हैं, ये चीज़ें हमने कभी भी ट्राई नहीं की क्योंकि मुझे लगता है हमसे नहीं खाई जाएंगी। ये देखें फ्रेश टी केक, टेस्ट डेवलप नहीं है इन चीज़ों का, मे बी इसलिए, लेकिन इसीलिए हम ये ट्राई नहीं करते कि जब एक चीज़ पसंद ही नहीं आएगी, देखने में लगता है इसीलिए ट्राई भी नहीं की कभी, कि पता नहीं पसंद आती है नहीं आती। देखें ये जो हमारे पाकिस्तान में मिलता है ना केक, वो था ये, ठीक है। और ये देखें अब ये इन्हीं की मिठाइयाँ, ये देखें दानियल को बड़ी ही मुश्किल से ना ट्रॉली में खड़ा किया हुआ, ये इतना तंग करता है, इतना तंग करता है कि बस। और ये देखें
ये कुकीज़ देखें कितनी मुझे प्यारी लग रही हैं, और ये देखें जी टी केक हमारा जो हम चाय के साथ खाते हैं, लेकिन फ्रेश बहुत है, लेकिन वही बात है फिर कभी टेस्ट नहीं किया यहाँ का ऐसे। ये देखें बकलावाज और सब इनकी ना हर फ्लेवर मतलब डिफरेंट फ्लेवर हैं, चॉकलेट बकलावा, पिस्टैचू बकलावा, ये सब ब्रेड वगैरह का पोर्शन ठीक हो गया, और ये सब वही फ्रूट्स वेजिटेबल्स। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इनकी डिफरेंट ये ना सॉसेस हैं, चटनियाँ मतलब जिसे कह लें, तो ये सा सारा चीज़ का पोर्शन है, डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट चीज़ बिल्कुल, मतलब कोई देखें ऑयल में है चीज़ और पता नहीं ये कैसा चीज़ है, ये सब तो खाते हैं तो मज़े का ही होगा आई होप। ये देखें सब पिकल्स और ऑलिव्स की वैरायटी चेक कर लें आप, वाह जी वाह, हम तो एक टिन वाले ऑलिव्स लाएँ जिस चीज़ में डालें और खा जाएँ, इधर वैरायटी चेक करें आप। और ये सब इनका पिकल, इनके पता नहीं ये सालन भी हैं क्या है ये, मतलब हमारे खाने वाला कुछ नहीं है, हम इसमें से कभी कोई चीज़ ट्राई ना करेंगे। साथ ही देखें एवोकाडो ऑयल, क्या ही बात है, एप्पल साइडर विनेगर, और ये वैरायटी तो चेक करिए ज़रा, चने हैं और पता नहीं क्या कुछ इन्हीं के खाने वाला है। तो चलें जी ये छोटा सा एक रिव्यू मैंने आपको दे दिया है ठीक है नूरी मार्केट का, और बस अब हम कराते हैं जी बिल। शॉपिंग हमारी हो चुकी है, देखें उमर भाई ने बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह ही लेनी थी और एक दो चीज़ें जो मुझे चाहिए थी वो भी ले ली हैं, ये कराते हैं जी बिल और बस हमारा काम हो गया ख़त्म। चॉकलेट्स वगैरह सब ना, तो चलें जी शॉपिंग हम लोगों की हो चुकी है और बस चलते हैं जी घर। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे साथ एंजॉय किया होगा अंदर। चलें जी हम लोग घर पहुँच चुके हैं, आपको हमारे साथ मज़ा आएगा वैरायटी देखने का शॉपिंग का। लें जी फ्रेंड्स हम लोग घर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी शॉपिंग भी हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे साथ आज मज़ा होगा, खाना खाने का भी, गोलगप्पों का भी और गोले का भी और शॉपिंग का भी। तो चलें जी हमें नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ना बहुत मजे का ये देखिए, बिलाल मामू को खट्टा लड़ चुका है और